Hello, my dear student. How are you? I hope all of you fine. Once again, welcome back to our YouTube channel, Good Classes. Our subject, English, Class 3. Today's lesson number 4, Hello and Hello. And we are going to read about their exercise. Okay? तो चलिए आज हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए. व्हाट टू डू. फर्स्टली व्हाट विल यू से टू ग्रीट समवन. देखिए यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिया गया है ना, तो उस समय आप किसी को देखते हैं, अपने एल्डर्स को या रिलेटिव को, तो किस प्रकार से विश करते हैं उसको, है ना, ग्रीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना है. इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में हम क्या बोलते हैं सबको, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना. नेक्स्ट है इन द इवनिंग, मतलब शाम के समय हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग. नेक्स्ट है इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना. पोलाइटली विश करना चाहिए अपने से बड़ों को. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ग्रीटिंग्स फॉर द टाइम इन द क्लॉक्स. यहाँ पे टाइम दिया गया है, उस टाइम में हम किसी को कैसे विश करते हैं, अभिवादन करते हैं उसका, उसको हमें बताना है. पुट द करेक्ट नंबर्स ऑफ द ग्रीटिंग बिलो द क्लॉक्स. यहाँ पे 3 वर्ड दिया है, इसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हम कैसे विश करते हैं. देखिए आपको फर्स्ट क्या दिया गया, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना. 11 AM, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, है ना. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 PM है, तो ये क्या हो गया, दोपहर का समय हो गया, तो दोपहर में हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना. नेक्स्ट देखिए 5 AM, तो 5 AM कितना हुआ आपका, गुड मॉर्निंग हुआ, है ना. AM दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गुड मॉर्निंग आएगा यहाँ पे, तो आप इसमें गुड मॉर्निंग विश कीजिएगा. ओके. नेक्स्ट है यहाँ देखिए 2 PM, तो यहाँ भी दोपहर का समय हुआ है ना, 12 o'clock से बाद दोपहर का समय हो गया, तो यहाँ पे देखिए गुड आफ्टरनून विश करना है. अब यहाँ देखिए 7 PM है ना, 7 PM हुआ, तो ये क्या हो गया, रात हो गया, रात का समय हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है. ये शाम का समय हो गया ना, तो आपको गुड इवनिंग विश करना है. इस प्रकार से आप टाइम के अकॉर्डिंग विश कीजिएगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द पिक्चर्स फिल इन द टाइम नंबर्स इन द गिवन सर्कल्स. यहाँ पे सर्कल दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सर्कल में अपना टाइम भरना है ना, टाइम फिलअप करना है. जैसे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कब कब आप बोल सकते हैं किसी को, 4 o'clock है, 5 o'clock है, 6 o'clock, 7 o'clock है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप कब कब बोल सकते हैं, 6 o'clock में सुबह उठकर, 7 o'clock, 9 o'clock है ना, आप गुड मॉर्निंग आप 11 o'clock तक बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप 12 o'clock से दोपहर के 3 o'clock तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, है ना. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम. यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम को लिखना है. यहाँ पे क्लॉक दिया गया है, उसमें आपको टाइम लिखना है. जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2 o'clock दिया है. नेक्स्ट है यहाँ पे कितना o'clock हुआ है, 5 o'clock है ना. देखिए आपका जो आवर्स हैंड है और आपका जो मिनट हैंड्स है ना, मिनट हैंड्स आपका कहाँ है, 12 o'clock, 12 में है, एंड आपका जो आवर्स हैंड है वो कहाँ है, आवर हैंड कहाँ है, 5 में है ना, तो ये कितना हुआ, 5 o'clock हुआ. यहाँ पे देखिए 11 o'clock हुआ है, और इसी प्रकार और नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 7 o'clock हुआ है, यहाँ पे 9 o'clock, यहाँ पे 1 o'clock हुआ है ना. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर. यहाँ पे करेक्ट आंसर में आपको टिक करना है.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम शो हो गया है और टू टाइम दिया है ना, तो आपको जो करेक्ट टाइम है वहाँ पे टिक मार्क करना है। यहाँ पे फर्स्ट है 8 o'clock है, सेकंड है आपका कितना अब बजे है यहाँ पे 6 o'clock हुआ है, तो आप 6 o'clock में टिक कीजिए। यहाँ पे 7 o'clock हुआ है तो 7 o'clock में टिक कीजिए। यहाँ पे 10 o'clock हुआ है, 10 o'clock में। अब यहाँ पे आपको हैंड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सी द टाइम एंड ड्रॉ द अदर हैंड ऑफ द क्लॉक। यहाँ पे क्लॉक दिया है, वहाँ पे हैंड बनाना है। यहाँ पे 2 o'clock हुआ था है, तो आपको यहाँ पे हैंड बन गया पहले से। अब आपको 4 o'clock दिया, 4 o'clock में आपका आवर हैंड दिया है, तो आपको मिनट हैंड बनाना है, तो उसको कहाँ ले जाना है, 12 में ले जाना है, फिर ये 4 o'clock हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको 10 o'clock बनाना है ना, तो आपका पहले से आवर्स हैंड नहीं दिया है ना, आपको मिनट हैंड दिया है यहाँ पे, तो आपको आवर्स हैंड बनाना है, तो 10 में यहाँ पे बना दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 o'clock है, तो 7 o'clock में आवर्स हैंड दिया है, आपको मिनट हैंड बनाना है, तो उसको 12 में कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 6 o'clock, यहाँ पे 6 o'clock में 12 मिनट हैंड आपको दिया है, आपको आवर हैंड बनाना है। ये आपको वॉच कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं फन टाइम, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर करना है। लेट्स कलर, यहाँ पे देखिए आपका जो ट्राइंगल शेप है उसमें आपको येल्लो कलर यूज़ करना है, और आपका जो सर्कल शेप है वहाँ आपको ऑरेंज कलर यूज़ करना है, और आपका जो स्लीपिंग लाइन है ना, टू स्टैंड स्लीपिंग, वहाँ पे ब्लू कलर यूज़ करना है ना। तो आप सब इस प्रकार से कलर यूज़ कीजिए और ये स्नैक को कलरफुल कीजिए। तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। प्रकार से हमारा कलर जो है फिलअप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर में कितने ट्राइंगल दिया गया है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 फिलअप कर दीजिए। हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में कितने सर्कल है उसको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्लीपिंग स्टैंडिंग्स आर देयर इन द पिक्चर्स, पिक्चर में कितने स्टैंडिंग लाइन हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पे आप 19 फिलअप कीजिए। ओके, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।